सो हाय एवरीवन, आपका फिर से यूट्यूब पे स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हाउ टू एसईओ ऑन यूट्यूब वीडियो, हम हमारे यूट्यूब वीडियो का एसईओ कैसे करें। मैं आपको बता दूं, आप अपने वीडियो को रैंक कराना चाहते हो तो आपको अपने वीडियो का एसईओ सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। और यदि एसईओ सही तरीके से नहीं हुआ तो आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा और आपके जितने सब्सक्राइबर हो उतने व्यू आके वहीं पर रुक जाएगा। तो इसलिए आपका अपने वीडियो का एसईओ होना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में यही टॉपिक होने वाला है कि हम हमारे वीडियो का एसईओ कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो का एसईओ करने के लिए दो एप्लीकेशन बेस्ट है। पहला तो वीडाई, दूसरा है ट्यूब बटी। आप लाइफ में जब भी अपने यूट्यूब वीडियो का एसईओ करें तो किसी एक एप्लीकेशन से ही करना, क्योंकि यदि आप दोनों से करोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो को एसईओ करने के लिए वीडाई को इस्तेमाल करता हूँ। और दोस्तों, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप अपने वीडियो का एसईओ करो तो वो वाला वीडियो प्राइवेट होना चाहिए, ना कि पब्लिश होना चाहिए। यदि आप प्राइवेट वीडियो का एसईओ करते हो तो आपका वीडियो रैंक में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद में आपको वीडियो में चले जाना है। वीडियो में जाने के बाद में आपको उसी वीडियो का एसईओ करके आपको पब्लिश कर देना है, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कर सके। तो दोस्तों, इसके बाद में हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमको वीडियो का एसईओ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं अपने वीडियो एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो थोड़ा वेट करना है, तब तक ओपन नहीं होते। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारी पूरी स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो वीडियो है यहाँ पर शो हो जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप उसी वीडियो का एसईओ करो जिसे आप अपने यूट्यूब डेस्कटॉप साइट से अपलोड किया हो और जिसे पब्लिश नहीं किया हो। ठीक है, प्राइवेट रखा हो, उसी वीडियो का आप एसईओ करो। आप ऐसा करते हैं तो आपका वीडियो का सर्चेस में जाने का चांसेस बढ़ जाता है, और यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी वीडियो की रैंकिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं वीडियो के एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ, आने के बाद मैं उसी वीडियो को क्लिक करता हूँ जिसे मैंने एडिट करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जैसे इसे मैंने पब्लिश कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 व्यू 4 लाइक हो गया। ठीक है, तो इसे मैंने पब्लिश कर दिया, लेकिन आपको प्राइवेट रखना है। मैं पब्लिश किया हो उसी वीडियो को आपको एडिट करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं उस वीडियो को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी, मैंने अपने वीडियो में कौन कौन से टेक्स्ट यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा मैंने डिस्क्रिप्शन कौन सी यूज़ की है, और यहाँ पे आपको टाइटल नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं हमको एसईओ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला तो एडिट का, फिर एसईओ स्कोर, और यहाँ पे चेकलिस्ट का। तो आपको एसईओ करने के लिए आपको एसईओ स्कोर पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आपके कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ऑप्शन आता है टेक काउंटर का। ठीक है, 3 में से 5, इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी टेक्स है वो सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं टेक्स वॉल्यूम, 5 में से 5, मतलब जो कि हमने हमारे टेक्स पूरे वीडियो में जो भी टेक्स यूज़ किए हुए उनके सर्च में जाने के चांसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 में 46, मतलब कि जो ग्रीन दिख रहा है आपको, मतलब हमारे चांसेस है हमारे वीडियो को रैंक कराने के लिए। यदि यहाँ पे रेट रहता तो आपका चांस कम हो सकता था कि हमारे चांसेस नहीं है, और हमारे वीडियो पे यदि थोड़े बहुत भी व्यू आ जाए तो आ जाए। ठीक है, और ये वो बात अलग है कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर कितने हैं। सब्सक्राइबर यदि अच्छे रहे और यदि आपने एसईओ नहीं करा तो भी आपके वीडियो पर अच्छे खासे व्यू आ जाएंगे। लेकिन जो नए क्रिएटर रहते हैं उनके शुरुआत में सब्सक्राइबर कम रहते हैं, उनके लिए एसईओ करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो उनके लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कीवर्ड एंड टाइटल, 5 में से 5, मतलब जो भी मैंने अपने टाइटल में कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं उनके चांसेस है सर्च में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन, 5 में से 5, मतलब जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं उनके भी चांसेस है सर्च में जाने के लिए। और मैं आपको आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन टाइटल में कौन कौन से टेक्स्ट यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 5वां ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, सेम कीवर्ड यूज्ड इन टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि मैंने टाइटल में वही टेक्स्ट यूज़ किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में वही टेक्स्ट यूज़ किए हुए हैं, और अपना जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है उसमें वही सेम टेक्स्ट यूज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको अपने वीडियो को एडिट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक लिस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको चेक कैसे करना है मेरा टाइटल सही है या फिर डिस्क्रिप्शन सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा 5 में से 5 है, मतलब सही है। और यदि और भी यदि तरीका जानना है, उसके बाद आपको चेक लिस्ट पे क्लिक करना है। चेक लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यदि यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है, मतलब कि आपका वीडियो का एसईओ सही से आ रहा है। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब भी हम यूट्यूब का वीडियो अपलोड करते हैं तो हमको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के बाद में जो भी हम टाइटल में हम लिखते हैं तो 100 वर्ड के कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको 60 वर्ड का बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हाउ टू रिमूव कॉपीराइट क्लेम, और यहाँ पे लिखा है कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाएं। मैंने 2 कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। तो दोस्तों, जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आता होगा कि टाइटल में हमको 100 वर्ड का कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको 60 वर्ड का बता रहा है। क्यों, इसे देख सकते हैं मैंने 2 कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, कौन सा, हाउ टू रिमूव कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाएं। तो ये 2 कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। अब बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन होगा कि भाई हमने 60 वर्ड का तो यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब बात कर लेते 40 वर्ड का क्या करना है। तो अब बात कर लेते 40 वर्ड का क्या करना है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने वीडियो को क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद हैशटैग लगा के कुछ वर्ड आते हैं वहाँ पे,
मतलब ये टैक्स वगैरह कुछ आते हैं वहाँ पे, तो वही 40 वर्ड का वो टैक्स वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा 40 वर्ड से ज़्यादा वहाँ पे आता नहीं, मतलब एक से दो कीवर्ड वहाँ पे आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 60 वर्ड है, 60 वर्ड का तो हमने हमारा टाइटल लिख लिया, लेकिन जो 40 वर्ड का है, 40 वर्ड का आपको यहाँ पर टैक्स आ रहा है, जो 40 वर्ड काउंट हो जाते हैं, और जो हमने और भी टैक्स दिए हुए वो वहाँ पर नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 100 वर्ड का टैक्स वहाँ पर यूज़ हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखना है, तो आप मैं यहाँ पे क्लिक करके बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी, कुछ 2600 वर्ड की, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जब तक ग्रीन नहीं हो जाए जब तक आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, अपने डिस्क्रिप्शन में आपको पॉइंटर टू पॉइंटर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया अपना टाइटल, टाइटल के बाद में अपना इंट्रो दिया, इंट्रो के बाद में मैंने यहाँ पे अपने जो सोशल लिंक दी, यहाँ पे जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का जो यहाँ पे लिंक दिए, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे अपने कीवर्ड दिए जो बिना हैशटैग के, ठीक है, उसके बाद में हैशटैग लगा के अपने कीवर्ड दिए। ये जो कीवर्ड है ये अपने टाइटल में शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे किसी और का टाइटल यूज़ किया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे थैंक्स माय यूट्यूब फैमिली, ठीक है, ये वाला यूज़ किया है। फिर वापस हम देख जाते हैं, तो मैंने जो 2600 वर्ड के अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज़ किए हुए, ठीक है, जो कि ग्रीन बता रहा है, जो कि सही है। इसके बाद बात कर लेते हैं टैग लेंथ, मतलब सही है 498 जो कि ग्रीन बता रहा है, यहाँ पे सही है, ठीक है। अब ये टैग लेंथ क्या होता है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं, जो कि हमने हमारे टेक्स्ट सेक्शन में जो भी टेक्स्ट यूज़ किए हुए, तो जो वाले कीवर्ड पर ग्रीन बता रहा है वो वाले कीवर्ड के चांसेस से रैंक कराने के लिए, ठीक है। उसका तो वापस देख जाते हैं हम, नंबर बात आती है क्लोजिंग कैप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा कैप्शन है मैंने यहाँ पे क्लोज कर रखा है, क्योंकि जब भी यदि हमारा वीडियो कोई अदर कंट्री में देखता है, तो अदर कंट्री में देखने बाद उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती, हिंदी उनकी दूसरी भाषा रहती है, तो कैप्शन के सहारे से वो अपना वीडियो देख सकते हैं, तो इसलिए कैप्शन का उपयोग किया जाता है। मैंने अपना कैप्शन बंद कर रखा है, कहते हैं मेड पब्लिक, तो मैंने अपना वीडियो को पब्लिक कर रखा है। यदि आपका प्राइवेट होगा तो यहाँ पे प्राइवेट शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं शेयर्ड ऑन फेसबुक विद एट लास्ट वन लाइक, यदि आपने अपने वीडियो की लिंक यदि फेसबुक पे शेयर करी और वहाँ से यदि किसी ने देखा है और लाइक करा है आपकी वीडियो को, तो यहाँ पे आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नीचे जो चार ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। एड वन टैग इन टाइटल, यदि आपने टाइटल में कोई सा भी एक टैग यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे ग्रीन बता रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके, ठीक है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक टैग से यूज़ किया हुआ है उसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है लिंक इन डिस्क्रिप्शन, हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिए, क्योंकि सोशल लिंक वगैरह दिए, एफिलिएट मार्केटिंग की लिंक दिए, तो यहाँ पे इसलिए ग्रीन बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है हैशटैग इन डिस्क्रिप्शन, हमने हैशटैग लगा गया हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टैग्स वगैरह दिए हुए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले, तो इनको यदि आप एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं वापस देख जाता हूँ, तो ये था कुछ आज का SEO, आप अपने वीडियो का SEO इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने, बाकी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अगले वीडियो मिलते किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।